अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बीटी टिप्स है एलोवेरा के बारे में कि एलोवेरा से दाग धब्बे दाने और चेहरे पे जो निशान हो जाते हैं ब्लैक स्पॉट व्हाइट स्पॉट और ब्राउन निशान जो पड़ जाते हैं चेहरे पे तो वो भी खत्म होंगे। इसका मैं 3 से 4 टिप्स बताऊंगी आपको, आप कीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने एलोवेरा लिया है, यहाँ पे मैंने शुगर लिए, मास्क के लिए मैंने लिया नीम पाउडर, रोज वाटर और ग्रीस क्रीम। इसका मैं मास्क बनाऊंगी और एलोवेरा भी बनाएंगे हम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये एलोवेरा जेल है, नंबर 1 टिप्स में बताती हूँ आपको। सबसे पहले नीम गर्म पानी से मुंह धो लें, मुंह धोने के बाद उसे ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद एलोवेरा जेल अपने फेस पे लगाएं, अच्छे से इसका मसाज करें। ये हम क्लीजिंग कर रहे हैं अभी, 1 से 2 मिनट इसका मसाज करें पूरे चेहरे पे, 1 से 2 मिनट इसका मसाज करें। ये देखिए मसाज करने के बाद उसे साफ कर लें। स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा का पीस लिया 1 और मैं इस पर डालूंगी चीनी शुगर। सबसे पहले हमने एलोवेरा जेल लगाई थी ताकि हमारी स्किन नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम ये स्क्रब करेंगे अच्छा सा पूरे फेस पे। उसके बाद हमने पहले क्लीजिंग कर ली है, 2 से 3 मिनट हमने स्किन पे खाली एलोवेरा जेल लगाया है, और या फिर आप ये वाली जेल भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम थोड़ी सी शुगर लिए और उसे स्क्रब करेंगे पूरे फेस पे। मैं आप लोगों का हाथ पे करके बता रही हूँ, आप लोग फेस पे कीजिएगा। ये देखिए जी स्क्रब कराए और अब हम हाथ से करेंगे पूरे चेहरे पे, हाथ से भी हम स्क्रब करेंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए जी 2 से 3 मिनट हमने स्क्रब कर लिया, अब हम हाथ को साफ कर लेंगे। कि मैंने हाथ को धो लिया, मैं इसे ड्राई करूंगी और फिर इसके बाद हम फेस मास्क में आते हैं, डालेंगे हम एलोवेरा जेल। नंबर 3 टिप्स में 1 टेबल स्पून मैंने एलोवेरा जेल लिया है, इसमें मैं डालूंगी नीम पाउडर 1/2 टेबल स्पून और थोड़ा सा रोज वाटर, और इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए जी ये हमने मिक्स कर लिया था, मैं इसे पीस लूंगी क्योंकि ये मोटा मोटा है। ये देखिए जी हमने इसे ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद ये बहुत अच्छा फेस मास्क है, इसको लगाएं स्किन पे, ऐसे लगाएं इसे पूरी स्किन पे, और इसको लगाने के बाद 10 से 15 मिनट छोड़ दें, और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें। इसे लगाएं 10 से 15 मिनट, 15 मिनट लगाने के बाद इसे छोड़ दें, और जब ये ड्राई हो जाए तो ठंडे पानी से मुंह धो लें। ये हो गई नंबर 3 की। नंबर 4 मैं ये वाली जेल से बताती हूँ। तो हम लेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून, ये भी ले सकते हैं लेकिन इसको फिर पहले पीस लें। इसमें डालेंगे हम ग्लिसरीन 1/2 टेबल स्पून और मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर
और ये फेस पॉलिश है, इससे स्किन एकदम क्लियर होगी, सॉफ्ट होगी और स्मूथ होगी, दाग धब्बे जो भी है, सनबर्न दाग धब्बे जो भी है वो इससे दूर हो जाएंगे। ये देखिए ये फेस पॉलिश आपकी रेडी है, इसको पूरी स्किन पे लगाएं, पूरी स्किन पे लगाएं और ये बहुत अच्छा और ठंडक महसूस होगी इसको लगाने से। इसमें एलोवेरा जेल है, विटामिन ए और ई होता है और रोज वाटर है, ग्लिसरीन है, ये सब दाग धब्बे दूर करने में हेल्प करते हैं और स्किन आपकी साफ होती है। तो इसे लगाएं, लगाने के बाद 10 से 15 मिनट छोड़ दें, तो या फिर आप रात को भी लगा के सो सकते हैं और फिर सुबह ठंडे पानी से मुंह धो लें। तो ये मैंने आज आपको 3 से 4 टिप्स बताई हैं। ये टिप्स चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं और चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, एक साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये हफ्ते में 2 दफा यूज कीजिएगा और इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, स्मूथ होगी, दाग धब्बे दाने और जो भी स्किन की प्रॉब्लम है वो इससे दूर होगी। तो कीजिएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा, अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा रानी ब्यूटी टिप्स, वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और अब इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।